तो प्रूफ है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने रिजल्ट तो सुन लिया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पाथ फॉलोड पैराबोला है, इसको प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा फिगर सही करो, ये वाई नहीं है, ये एक्स नहीं है, गलत है, सिर्फ ये वाई है और ये एक्स है बस, क्योंकि इसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसको हटा दें प्लीज़। वाई सिर्फ इतना सा है, एक्स सिर्फ इतना सा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायग्राम है। तो इमेजिन करें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है और टाइम टेकन क्या है, टी। टी टाइम में वो दो डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली कवर करता है, वाई भी करता है और एक्स भी करता है। क्योंकि जब वो एंटर करता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहती है उसकी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाता है क्यू ई बाय एम। अब क्योंकि फोर्स कहाँ लग रही है, वाई एक्सिस में अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में तो कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं है, तो वेलोसिटी एक्स में रिमेन सेम। तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई एक्स बाई वी। अब उसी तरीके से अगर आपको वाई निकालना है तो इक्वेशन किस में लगानी है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन पता है क्यू ई बाई एम, टाइम ऊपर से नीचे पुट कर दिया, तो यहां से प्रूव हो गया वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और अगर वाई सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर तो पाथ फॉलोड इज पैराबोला। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये तो ऐसा फीलिंग दे रहा है जैसे प्रोजेक्टर का क्वेश्चन चल रहा हो, एक्स में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वाई में जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है यहां तक।